जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। मूसलाधार बरसात का दौर वहां जारी है। जैसलमेर से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कल रात से रुक रुक कर बारिश यहां हो रही है। लगातार बारिश से शहर की हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता योगेश गज्जा फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं वहां से। मैं बताना चाहता हूं कि कल रात से यहां पे बारिश शुरू हुई है और अभी तक पिछले करीब 10 घंटे से रुक रुक के बारिश आ रही है, कभी तेज कभी धीरे। तो इसको इस बारिश के चलते हुए जैसलमेर शहर है वहां पर पूरी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई है। यहां पर चारों तरफ जो सड़कें हैं वहां पे पानी भर गया है और पुलिस है वो अपने प्रयास कर रही है, बैरिकेटिंग लगा रही है, सड़कों पर आने जाने की लंबी लाइनें भी लग गई है। और गांव की हालात बात करें तो गांव में भी जो इतने दिनों से बारिश नहीं हुई थी, इस बारिश को लेकर चारों तरफ खुशी का माहौल है। लेकिन कई कई जगह ज्यादा बारिश होने से वहां पर नदी तालाब वगैरह भर गए हैं और यहां पे कुछ नदियां हैं वो भी बहने की कगार पर है। तो इसको देखते हुए अगर बारिश नहीं रुकती है तो यहाँ पर जो हालात है वो बद से बदतर होंगे और प्रशासन की जो व्यवस्था की जो बात हो रही थी इतने टाइम से, उसकी भी पोल खुलती दिखाई दे रही है, क्योंकि चारों तरफ गड्ढे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और पानी की कहीं भी निकासी की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। जी मनीषा, बिल्कुल योगेश, देखिए हालत तो खराब होते हुए नजर आ रही है, लेकिन किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए वहां पर क्या इंतजाम है फिलहाल? जी जो बारिश से निपटने के लिए अभी जो जिला प्रशासन है उन्होंने कंट्रोल रूम की भी शुरुआत की है और कंट्रोल रूम के नंबर भी दिए हैं और चारों तरफ हाई अलर्ट कर दिया है। यहाँ पे जो सिविल डिफेंस की टीम है उनको लगा दी गई है और गांव में जो पटवारी है, ग्राम सेवक है, उनको भी सभी गांव में मुख्यालय भी भेज दिया गया है और वहां से जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। और कुल मिलाकर देखें तो अभी जो स्थिति है वो तो कंट्रोल में है, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बारिश थी अच्छी बारिश हुई है। अगर ये बारिश और आगे चलती है तो उसको लेकर यहाँ पर स्थिति गंभीर बन सकती है, क्योंकि जो जैसलमेर शहर है उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो बनावट है, वो उतना ज्यादा पानी लेने की नहीं है और यहाँ पर जो चारों तरफ जो पानी आ रहा है वो पूरा सड़कों पर जमा हो रहा है। तो 3 से 4 फीट पर सड़कों के ऊपर पानी जमा हो गया है, कहीं निकासी की व्यवस्था नहीं है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अभी यह स्थिति है कि चारों तरफ अभी अच्छा मौसम बना हुआ है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि समस्या किसी भी प्रकार की उत्पन्न हो सकती है अगर ऐसी ही बारिश का दौर लगातार जारी रहा।